है। ये तो टाइटैनिक वाला सीन हो गया। अच्छा ये बताओ, जैसे सीरियल को सॉल्व करने में तो बड़ा समय लगता है, तो उस समय हम क्या करें? क्या हम इंतजार करते रहे? क्यों, नूडल्स बनने में भी तो बहुत समय लगता है ना, तब कैसे वेट कर लेते हो? उससे अच्छा हम दलिया ही ना खा ले। सुनिए ये बहस कब पूरी होगी? वेलकम टू रन बीटीएस। अरे मैंने तो बोला ही नहीं। हाँ तो तुम सभी फिर से बोल लो, वेलकम टू रन बीटीएस। ये आज हम लोग कहाँ पे आए हैं? जरा पीछे देखो, हम सोल सिटी हॉल के सामने वाली बिल्डिंग में हैं। तो वहाँ पे सिटी हॉल है और अभी हम उसके सामने वाली प्लाजा होटल में हैं। फिर तो इस होटल से हम सोल का सेंटर देख सकते हैं। हाँ सच में हम कमाल की जगह पे हैं। तो बताइए आज हम क्या करने वाले हैं? आज के रन बीटीएस के एपिसोड में होने वाली है बहस। क्या आज के इस गेम में बीटीएस को 7 अलग अलग टॉपिक पे बहस करनी है। हर एक टॉपिक पे बहस करने के लिए बीटीएस को 11 मिनट दिए जाएंगे। हर टॉपिक के बाद मेंबर्स अपनी जगह चेंज करेंगे। बहस के दौरान कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बीटीएस को नहीं बोलने हैं, लेकिन बीटीएस नहीं जानते वो कौन से वर्ड्स हैं, ये बात सिर्फ स्टाफ को मालूम है। इसलिए बहस के दौरान बीटीएस जब भी वो वर्ड्स बोलेंगे उन पे पानी से अटैक किया जाएगा। ये गेम तो बहुत मुश्किल होने वाला है, हम तैयार हैं। तो चलिए फिर पहले एक्सरसाइज के लिए एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। कैसा गेम? आपको पानी में एक दूसरे को गिराने की कोशिश करनी है, वो भी बिना धक्का दिए। क्या फिर से बोलो, मैं समझा नहीं। अरे वो लोग एक दूसरे को पानी में गिराने की बात कर रहे हैं, ये खतरनाक नहीं होगा। और ये भी कि हमें पानी में गिरना भी नहीं है, इन लोगों ने झूठ बोला हमसे। तो पहले जाएंगे शुगा और चिमिन। चलो जिमिन जल्दी से खड़े हो जाओ। देखो जिमिन, तुम जानते हो मुझे पानी में जाने से नफरत है। हाँ ये बात तो मैं जानता हूँ। अगर हम दोनों में से कोई गिरेगा तो देखना जरूर मैं ही गिरूंगा। नहीं देखना मैं गिरूंगा। चलो देखते हैं कौन बच पाता है और कौन पानी में जाता है। लेकिन एक बार पानी में गिरने के बाद तो सारा डर खत्म हो जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। पता नहीं कौन जीतेगा, चलो देखते हैं और इंतजार करते हैं। जिमिन अपने हाथ ऊपर रखो। अरे तुम दोनों जल्दी करो, पानी ऊपर तक भर चुका है। ओ! देखो जिमिन गिरने ही वाला था, वो हार गया है। नहीं मैं नहीं गिरा। तुम गिर ही गए थे। नहीं देखो बहुत हो गया, चलो अब इस गेम को पूरा करते हैं। चलो ठीक है। 1 2 3 ये दोनों कितने अच्छे से पानी में गिरे हैं। देखो इसे कहते हैं टीम वर्क। ये दोनों तो पूरी तरह से भीग चुके हैं। नेक्स्ट राउंड है जेहोप और वी के बीच में। ओह ये पानी तो बहुत ठंडा है। देखो जेहोप तो अभी से ही भीगने के लिए तैयार हो रहा है। क्या आप तैयार हैं? नहीं, इस पे खड़े होने में तो बहुत डर लग रहा है। वी रुको रुको, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये इतना हिल क्यों रहा है? 1 2 3 गो। वी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये गेम तो सच में बहुत मजेदार है। नेक्स्ट राउंड है आरएम और जिन के बीच। मुझे लगता है ज्यादा मेहनत करने से अच्छा है गिर जाना ही अच्छा होगा। आरएम चलो दोनों एक साथ ही पानी में कूद जाते हैं। मुझे पता है तुम मुझे उल्लू बना रहे हो, तुम पानी में नहीं कूदने वाले। 1 2 3 स्टार्ट। जिन तो आरएम को ही मार रहा है। आज तो आरएम भी अच्छा खेल रहा है, वरना अभी तक तो आरएम पानी में होता।
रुक जाओ, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तो आरएन की चीटिंग की वजह से जिन जीत गया, तुम हार गए। ये तो टाइटैनिक वाला सीन हो गया। प्लीज वापस आ जाओ जैक। क्या आप तैयार हैं? शुरू करो। चलो देखते हैं आखिर कौन जीतता है। वाओ, ये तो एक डांस मूव की तरह था। 1 2 3 चलो मैं हार गया। लास्ट राउंड है वी और जिन के बीच। चलो एक बार में ही इस गेम को पूरा कर देते हैं। 1 2 3 गो। अरे वी, तुम इतना पास क्यों आ रहे हो? देखो अपने पैरों को सीधा रखो। देखो भी, इस बार कोई चीटिंग नहीं करेगा। 1 2 3 जाएगा। इस बहस में जो भी जीतेगा उसे होटल का सर्टिफिकेट मिलेगा। देखो कोई चीटिंग नहीं करेगा। रन बीटीएस को अच्छे से लिखना, ज्यादा छोटा मत लिखना। यहाँ कोई ट्रिक नहीं चलेगी, समझे? ये देखो हो गया। तो अब ऐसे कुछ पोज भी है जो हमने पिक किए हैं, वो आपको इस बहस के दौरान नहीं करने हैं। अगर आप सभी में से किसी एक ने भी वो पोज किया तो आप सभी पर पानी से अटैक किया जाएगा। फिर तो आज हमारे और पानी के बीच बड़ी लड़ाई होने वाली है। सुनो, कोई अपना हाथ मत उठाना, मुझे लगता है यही वाला पोज होगा। और हाँ, शायद नाक और कान को जाने पे भी पानी मार दे। आप हम सभी पे पानी डालोगे ना, अगर हम में से कोई एक भी करेगा तो? हाँ चलो ठीक है। तो बहस के लिए आपका पहला टॉपिक है क्रंची सीरियल या सॉफ्ट सीरियल। ओके, तो चलो ये टीम होगी सॉफ्ट की तरफ और ये टीम होगी क्रंची की तरफ। हम क्रंची की तरफ है ना? हाँ, लेकिन मुझे तो सॉफ्ट पसंद है। अरे अभी के लिए मान लो कि तुम्हें क्रंची पसंद है। ठीक है, चलो अब सभी मेरी बात सुनो। अच्छा ये बताओ, क्रंची सीरियल्स बनाने में ज्यादा समय लगता है या फिर सॉफ्ट सीरियल? बताओ किस में कम समय लगता है? अरे सीधी सी बात है, क्रंची वाले जल्दी बनते हैं। सीरियल के सॉफ्ट होने के इंतजार में बहुत समय खराब करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, हम सीरियल क्यों खाते हैं? सुबह नाश्ते के लिए ना। और जैसा कि सुबह सुबह तो हम सभी बहुत जल्दी में होते हैं, और अगर ऐसे में हम सॉफ्ट सीरियल बनाने जाएंगे तो हमारा कितना समय खराब हो जाएगा। रुक जाओ, सच कहूँ तो मुझे भी क्रंची सीरियल खाने पसंद है। अरे चिमिन, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ लेकिन अब मैं सॉफ्ट की तरफ हूँ तो मुझे सॉफ्ट की ही तारीफ करनी होगी। क्या तुम्हें पता है, यूएसए के एक फेमस सिंगर ने भी सॉफ्ट सीरियल के बारे में एक पोस्ट डाली थी। क्या सच में? चलो अच्छी बात है, फिर ये बताओ आपको सॉफ्ट सीरियल क्यों खाना चाहिए?
तो पहली बात तो ये है कि क्रंची सीरियल आपके मुंह में चुप भी सकते हैं। अरे भला खाना कैसे चुप सकता है? देखो अगर हम सीरियल्स खाने तक का इंतजार करेंगे तो इंतजार करते करते उसका तो दलिया ही बन जाएगा। तो फिर उसके लिए इतनी मेहनत क्यों? उससे अच्छा हम दलिया ही ना खा लें। रुको एक ऐसी बात है जो आप सभी भूल रहे हो। बताओ कौन सी बात? पता है जब सीरियल सॉफ्ट होते हैं उसका असली टेस्ट और उसकी असली मिठास तभी ही पता चलती है। नहीं लेकिन मेरी बात सुनो। अरे अरे ये कैसे हो रहा है? ये क्या था? सुनो आरब जिन, ये तुम्हारी वजह से हुआ है ना? नहीं मुझे लगता है जब मैंने टेबल को हिट किया तब ये हुआ है। चलो एक बार पता लगाने के लिए फिर से करते हैं। चॉकलेट दूध के अंदर कैसे घुलेगा? और अगर वो घुलेगा नहीं तो फिर दूध
शेर जैसी शक्ति मिलेगी। बस करो जिन, समय पूरा हो गया ना। हाँ जिन, तुम्हें तो बोलने ही नहीं दिया। अच्छा ये बताओ जंगकुक ने हमारे लिए क्या वर्ड चुने थे जो हमें नहीं बोलने थे, लेकिन तुम में से किसी ने वो शब्द नहीं बोले। मुझे लगा तुम से भी बोलोगे। बताओ कौन से थे। पहला वर्ड था मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और दूसरा वर्ड था क्या कहा आपने। मैंने जानबूझकर आप लोगों से पूछा भी था क्या आप इस बात से सहमत हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हाँ लेकिन ये कोई बहस थी क्या, ये तो बस एक बकवास थी। लेकिन वैसे भी बहस कहाँ जरूरी है, जो पानी डाला जाता है वो जरूरी है। सेकेंड टॉपिक है आपको ब्लैक बीन सॉस नूडल्स के ऊपर अंडा डालकर खाना पसंद है या फिर मटर डालकर। क्या? हाँ मुझे एग पसंद है, हरे मटर नहीं। सुनो हम सभी एग की तरफ हो जाते हैं। नहीं मुझे हरे मटर से नफरत है, मैं उनकी तारीफ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ, फिर सर।